हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पे बात करेंगे LIC की IPO की, जो कि आज आ चुका है और ये 9 तारीख तक ओपन है। आप सब लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम LIC की बात करते हैं। LIC स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1956 को। सरकार ने 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को बंद करके LIC को स्टार्ट किया था। अब अगर हम LIC का तब से लेकर आज तक का डाटा देखें तो इसने 30 करोड़ पॉलिसियाँ बेची हैं। पॉलिसियाँ मेजरली ये अपने एजेंट नेटवर्क से बेचता है। एजेंट नेटवर्क जो इसका है वो 15 लाख एजेंट्स हैं इनके, जिनके थ्रू 30 करोड़ पॉलिसी बेची हैं, जो कि 93% का बिजनेस बनता है। मतलब 93% बिजनेस इनका सिर्फ एजेंट के नेटवर्क से ही आता है। इनके पास 2 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, 64% का मार्केट शेयर है, जो कि पहले की तुलना में गिर गया है, लेकिन आज भी 64% का मार्केट शेयर है। 64% का मार्केट शेयर पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में किसी का भी नहीं है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जिसका 64% का मार्केट शेयर हो। मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 22% का है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 902 रुपये से 949 रुपये तक है, जिसमें कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे कोई नॉर्मल इन्वेस्टर है या अगर LIC का कोई एम्प्लॉई है, तो उसको उस केस में 45 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो पॉलिसी होल्डर को 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और रिटेल इन्वेस्टर या जो एम्प्लॉई है उसको 45 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। पॉलिसी होल्डर वो माना जाएगा जब LIC ने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP जब फाइल किया था 13 फरवरी को, वहाँ तक जिसने भी पॉलिसी ले ली थी उसको ये पॉलिसी होल्डर मानेगा और उसकी पॉलिसी आज की डेट में एक्टिव होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो LIC की बेस चीज़ें हैं, जो आपको बताती हैं कि LIC कितनी बड़ी कंपनी है। जिस तरह से मारुति का शेयर आया था आज के बहुत साल पहले 100 रुपये या 110 रुपये का शेयर था, जो कि आज 8,000 रुपये के आसपास पे ट्रेड कर रहा है, तो आप देखिए वो बहुत बड़ी कंपनी थी। 100 रुपये में शेयर आया, आज 8,000 रुपये का शेयर है। तो ये इक्विटी मार्केट की पावर है कि आप अगर आज LIC के IPO में अप्लाई करते हैं और आपका शेयर निकल जाता है तो आप बहुत लंबे समय तक अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका भी इसमें बहुत सारा पैसा बचेगा। अब हम आगे बात करेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। इसका जो वैल्यूएशन है, LIC का जो वैल्यूएशन किया गया है, जितने प्राइस पर ये आया है, वो वैल्यूएशन बहुत ही फेयर और बहुत ही रीजनेबल है। इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है। आप ध्यान से देखेंगे तो कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है, बहुत ही कम लोगों के पास इंश्योरेंस है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंश्योरेंस नहीं है, तो पेनिट्रेशन काफ़ी लो है। उसका एडवांटेज भी LIC को रहेगा। कोविड वगैरह जैसे कुछ भी महामारी आ जाती है, कुछ भी आती है, तो उस केस में भी इनको फ़ायदा हुआ था, क्लेम तो देने पड़े, लेकिन क्योंकि लोगों के अंदर इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ी तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत इंश्योरेंसेस खरीदे और आगे भी काफ़ी इंश्योरेंस खरीदने की उम्मीद है कि लोग खरीदेंगे। उस वजह से भी आगे चल के भी इनको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह से LIC के बहुत सारे फ़ायदे हैं जहाँ पर कि आप जाके इस IPO में पैसा लगा सकते हो। तो ये थे LIC के सारे एडवांटेजेस। अगर हम बात करें LIC के IPO में जो डिसएडवांटेज है, अगर हम उसकी बात करें, तो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि इसका रेवेन्यू और इसकी जो ग्रोथ है और इसके जो मार्जिन्स है वो साल दर साल गिरते जा रहे हैं। इसका जो मार्केट शेयर है वो भी साल दर साल गिरता जा रहा है। 10 साल पहले अगर इसका मार्केट शेयर 74% या 75% था, तो आज वो केवल 64% है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, जहाँ से कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। वो लोग इतना कंपटीशन कर रहे हैं या उनकी मार्केटिंग और उनकी स्टाइल ऑफ सेलिंग इतना हाईएस्ट है कि उन्होंने मार्केट शेयर को LIC की खींच लिया है और अब LIC का शेयर केवल 64% रह गया है। आप किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट देखिए और LIC की इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट देखिए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। LIC की जो डिजिटल प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू ऑल द प्राइवेट प्लेयर्स। और एक खास बात ये भी है कि LIC बहुत कम टर्म प्लान बेचती है। अगर आपने देखा होगा, आपने कभी भी टर्म प्लान खरीदा होगा और अगर आपने कोटेशन लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि HDFC, टाटा, बजाज या इन कंपनियों से आप कोटेशन लेके देखिए और LIC के टर्म इंश्योरेंस का कोड देखिए, तो LIC का टर्म इंश्योरेंस का कोड बहुत ज़्यादा है। अब होता क्या है कि टर्म इंश्योरेंस में अच्छी कमाई हो जाती है लोगों की, इंश्योरेंस कंपनीज की, तो उस केस में LIC जो है उतना नहीं कमा पाती है क्योंकि वो टर्म इंश्योरेंस उतना नहीं सेल कर पाती है, उसके टर्म इंश्योरेंस उतने नहीं बिकते हैं। उसके ज़्यादातर क्या बिकते हैं, सेविंग प्लान बिकते हैं। और सेविंग प्लान में भी मैं आपको एक बात, पहले क्या होता था कि LIC के जो भी सेविंग प्लान होते थे उसमें जो भी रिटर्न होता था, LIC को जो भी प्रॉफिट हुआ, कुछ भी हुआ, सारा वो बोनस के तौर पर बांट देती थी। लेकिन अब पिछले साल से LIC ने ये रूल चेंज कर दिया है। अब वो सारा का सारा प्रॉफिट अपने पॉलिसी होल्डर्स में नहीं बांटेगी, कुछ ना कुछ पैसा बचा के रखेगी। तो जो भी आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्लान होंगे फ्यूचर में, उनमें आपके रिटर्न कम हो सकते हैं। और आप देखिए कि LIC ग्रो कर रही है 7-8% से, लेकिन जो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है वो लगभग 18% से ग्रो कर रही है। तो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन LIC अपनी प्रेजेंस ना होने के कारण,
टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम ज़्यादा होने के कारण या कई और कारणों की वजह से वो अपनी प्रेजेंस को बना नहीं पा रहा है, उसका मार्केट शेयर गिरता ही जा रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी गिर रही है, मार्जिन भी गिर रहे हैं, उसका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में कम है। LIC का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो है 1.7, लेकिन अगर आप बाकी इंश्योरेंस प्लेयर्स का सॉल्वेंसी रेशियो देखिए तो वो LIC से कहीं ज़्यादा है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि किसी कंपनी के पास कितनी देनदारी है और उसके पास अपने रिजर्व्स या अपने एसेट्स कितने हैं। तो LIC का वो रेशियो 1.7 है, वो रेशियो काफ़ी ज़्यादा, जिसका ज़्यादा होगा वो कंपनी ज़्यादा अच्छी होगी। LIC का 1.7 है, बाकी कंपनी का उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। अब हम ये जानते हैं कि LIC में लोगों को, सरकार को IPO लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। सरकार ने ये देखा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा था, बस बढ़ता ही जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई ठीक है 3-4% का, पहले गवर्नमेंट ने 10% का सोचा था, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि 3.5% का स्टेक डायल्यूट किया गवर्नमेंट ने, और उसके बाद गवर्नमेंट को 22,000 करोड़ रुपये आ जाएंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत फिस्कल डेफिसिट इनका ठीक हो जाएगा, वहाँ पर इनको कुछ मदद मिलेगी। तो ये थे हमारे LIC के फ़ायदे और नुकसान। आपने सारा वीडियो देखा, सारे LIC के फ़ायदे नुकसान समझे, आपने देखा किस तरह से LIC एक बहुत बड़ा प्लेयर है, LIC की मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी है, ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है। आप देखिए कि अगर कोई आदमी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस खरीदता है, HDFC का खरीदे, बजाज का खरीदे, टाटा का खरीदे, वो जनरली ऐसा बोलता हुआ पाया जाता है कि मैंने तो LIC खरीदी है, तो ये ब्रांड ही इतना बड़ा है। तो बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा प्लेयर है ग्लोबली। किसी भी कंट्री से अगर आप कंपेयर करेंगे, जितना मार्केट शेयर इसका यहाँ पे है उतना किसी भी कंट्री का, किसी भी कंपनी का नहीं है किसी भी कंट्री में। इसका AUM लगभग 40 लाख करोड़ का है, जो किसी भी प्राइवेट प्लेयर का, सब प्राइवेट प्लेयर को मिला लें, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें तब भी नहीं है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिजिटल प्रेजेंस बहुत कम है, एजेंट नेटवर्क की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, 93% बिजनेस एजेंट से आता है, और इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ या जो मार्जिन ग्रोथ है या जो प्रीमियम कलेक्शन है वो धीरे 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 घटता जा रहा है, मार्केट शेयर भी घटता जा रहा है ड्यू टू, मतलब बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है प्राइवेट प्लेयर्स का। आप कहीं भी देख सकते हैं, आपको दिख भी जाएगा, बहुत कंपटीशन है। उस कंपटीशन को LIC फेस नहीं कर पा रहा है। अगर LIC को उस कंपटीशन को फेस करना है, आगे चल के अपने डिजिटल बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को और इनोवेटिव करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो HDFC, बजाज, टाटा जैसी कंपनियां कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाती रहती हैं, जहां पे कि IRR बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप उन्हीं को LIC के प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो लैक ऑफ इनोवेशन, कम IRR, कम रिटर्न्स, और आगे चल के रिटर्न और कम होंगी, क्योंकि अब LIC सारा का सारा पैसा बोनस के रूप में पॉलिसी होल्डर्स को नहीं देने वाला है, कुछ ना कुछ ये काट लेगा अपने लिए, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में तो ये देगा ही देगा, लेकिन कुछ इन्होंने नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज भी रखी हैं जहाँ पे ये कुछ नहीं देगा, तो उस केस में पॉलिसी होल्डर्स जो होंगे उनको रिटर्न कम मिलेंगे। तो ये सारे इनके प्रोस एंड कॉन्स निकल के आ रहे हैं LIC के, जो मैंने आपको आपके सामने रखे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या इस IPO को अप्लाई करना है। ये 949 रुपये का शेयर है, अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको 60 रुपये डिस्काउंट पर मिलेगा, तो 889 का आपको एक शेयर पड़ेगा। आप मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक लगा सकते हैं, आप 210 शेयर अप्लाई कर सकते हैं, तो 210 × 889 की लगभग 1,86,000 रुपये आएगा, आप इतने का अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको ग्रोथ मिलेगी, शॉर्ट टर्म का आप व्यू मत रखें, लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ आ जाएगी, इसलिए शॉर्ट टर्म का मत सोचिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए। जैसा कि LIC कहती है कि भाई, मतलब LIC की जो भी पॉलिसियाँ होती हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होती हैं, 10 साल 20 साल 25 साल, तो उसी तरीके से आपको इस शेयर को भी लॉन्ग टर्म में रखना पड़ेगा, तभी ग्रोथ आएगी। और जिस तरह से मारुति का शेयर 100-120 रुपये से 8,000 हो गया, हो सकता है ये 900,000 का शेयर भी कभी 10,000-20,000 का हो जाए, लेकिन आपको इक्विटी मार्केट में बहुत पेशेंस के साथ रहना पड़ता है, और वही पेशेंस आपकी वेल्थ बनाता है। इक्विटी मार्केट सिर्फ एक चीज़ कहती है, पेशेंस। अगर आपने उस पेशेंस को पकड़ लिया तो पैसा तो यहाँ इतना बनेगा, इतना पैसा किसी भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में या कहीं भी नहीं बन सकता। तो ये था फ्रेंड्स LIC IPO का पूरा एनालिसिस। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, जो कि ये जानेंगे कि LIC का IPO कैसा है, और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।